हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। तो साथियों, अभी जनवरी में एसएससी की भर्ती आ रही है, उसका जनवरी में अपना रिटर्न टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड उसका टेस्ट होने वाला है। तो लेकिन उसके लिए काफी बच्चों ने कमेंट किया था कि सर, हमारे को उसका जो ये फिजिकल स्टैंडर्ड है एसएससी का, उसके बाद जो उसका ये रिटर्न टेस्ट है, इसके बारे में हमारे को गहराई से बताएं। तो दोस्तों, इसी मकसद से आज ये वीडियो बना रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको जरूर अच्छा लगेगा और बने रहिए वीडियो के लास्ट में, ठीक है। तो विलंब ना करते हुए चलते हैं जानकारी की तरफ। लेकिन उससे पहले जो भाई नए आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें यार, और अभी के अभी चैनल को अपना वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि बाद में आप लोग भूल जाते हो। प्लीज कर दो ना। हाँ जी, तो दोस्तों अभी चलते हैं वाले फिजिकल के। तो यानी कि इसमें बता दिया जो एज है आपकी रहने वाली है 18 से 23 साल, और इसके बावजूद भी आपको अपने कैटेगरी वाइज छूट मिलेगी, ठीक है। एससी एसटी ओबीसी या फिर कोई इसमें भूतपूर्व सैनिक की भर्ती है, उस हिसाब से इनको छूट मिलेगी, जो कि नोटिफिकेशन में बखूबी लिखा हुआ है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं पीईटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो दोस्तों यहाँ पर रनिंग होगी उनकी, यानी जो मेल कैंडिडेट है उनकी रनिंग होने वाली है 5 किलोमीटर 24 मिनट, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो फीमेल कैंडिडेट है उनको 1.6 किलोमीटर की रनिंग होगी 8.5 मिनट में, ठीक है। तो ये चीज है, यानी जो नॉर्मल, जो जितने भी नॉर्मल कैंडिडेट है, यानी कि सिर्फ लद्दाख को छोड़ करके, जो लद्दाख सार के हैं उनको छोड़ करके, बाकी सबका 5 किलोमीटर रनिंग होगी 24 मिनट में, और फीमेल की होगी 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं वहीं पे जो कैंडिडेट लद्दाख के रहने वाले हैं, तो वहां पर जो मेल कैंडिडेट है उनकी 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट टाइम मिलेगा उनको रनिंग के लिए। ये सिर्फ इसके लिए जो लद्दाख के कैंडिडेट है। उसके बाद जो लद्दाख की लड़कियां फीमेल है उनको 800 मीटर यानी 400 मीटर ग्राउंड होता है तकरीबन, तो उसके सिर्फ 2 ही चक्कर मारने हैं, और उनको टाइम मिलेगा 4 मिनट का। तो काफी है, मिल जाएगा, आराम से हो जाएगा, ठीक है, लद्दाख वालों के लिए। तो दोस्तों अभी बात करेंगे इनकी हाइट की। तो यानी कि यू आर यानी अनरिजर्व कैटेगरी, इनको बोलते हैं जनरल। तो जो जनरल में भाई है उनकी जो लंबाई चाहिए 170 सेंटीमीटर, और जो फीमेल की लंबाई चाहिए 157 सेंटीमीटर। बाकी फिर जो एस टी है शेड्यूल ट्राइब है वो उनकी 162 सेंटीमीटर मेल के लिए चाहिए, और फीमेल के लिए चाहिए 150 सेंटीमीटर। उसके बाद जो शेड्यूल ट्राइब नॉर्थ ईस्ट के हैं, ये नॉर्थ ईस्ट के जो शेड्यूल ट्राइब हैं उनकी जो मेल के लिए चाहिए 157 सेंटीमीटर, और फीमेल के लिए चाहिए 147.5 सेंटीमीटर। अभी दोस्तों इस बोर्ड पर थोड़ा लंबा हो गया था, इसलिए लिखा नहीं। अभी बाकी जानकारी देता हूं मैं आपको लैपटॉप का जो स्क्रीन पर। तो चलो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। लैपटॉप की स्क्रीन पर तो यहाँ पे मैंने इसका नोटिफिकेशन खोल रखा है, आप देख सकते हैं जहाँ पर मेरे कर्सर है 11.5 में फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी, जिसमें जो मेल कैंडिडेट है उनकी जो हाइट है 170 सेंटीमीटर बता दिया, फीमेल की हाइट रहेगी 157 सेंटीमीटर। यहाँ पर जो ऑल कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल ट्राइब यानी जो एसटी वाले हैं उनकी मेल की 162 सेंटीमीटर और फीमेल की 150 सेंटीमीटर। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट का शेड्यूल ट्राइब उनका बता दिया मैंने 157, 147। उसके बाद दोस्तों ऑल शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट टू लेफ्ट विंग है ना एक्सट्रीम इफेक्टेड डिस्टर्ब, यानी कि ये जो एरिया डिस्टरबेंस वाले होते हैं वहाँ पर मिलिटेंट होते हैं बोडो या अल्फा के उग्रवादी होते हैं, जो जिस इलाके में काफ़ी दंगे फसाद होते रहते हैं, अगर वहाँ के कोई शेड्यूल ट्राइब है तो उनकी हाइट रहेगी मेल की 160 सेंटीमीटर और फीमेल की रहेगी 147.5 सेंटीमीटर। उसके बाद दोस्तों बात करें अगर कोई भाई गढ़वाली कुमाऊ डोगरा मराठा कैंडिडेट हैं, ठीक है, या हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख के जो बच्चे हैं उनकी जो हाइट रहेगी 165 सेंटीमीटर और फीमेल की हाइट रहेगी 155 सेंटीमीटर। इसके बाद लास्ट बात करते हैं जो कैंडिडेट हेलिंग फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश मणिपुर मेघालय मिजोरम नागालैंड सिक्किम, ठीक है, यहाँ के अगर कोई रहने वाले हैं तो उनकी हाइट रहेगी मेल की 162.5 सेंटीमीटर और फीमेल की रहने वाली है 152.5 सेंटीमीटर। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे यहाँ पर पूरा इसमें और भी एक नीचे कॉलम दे रखा है कि जो गोरखा लोग हैं, ठीक है, सब डिवीजन ऑफ दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट दार्जिलिंग कालिंगपोंग, ठीक है, कुरसोंग, और ये मतलब काफ़ी इसमें जगह दे रखी है। अगर कोई यहाँ से बिलोंग करता है तो 157 सेंटीमीटर मेल की रहेगी उसकी और 152.5 सेंटीमीटर फीमेल की रहेगी। अभी दोस्तों चलते हैं रिटर्न टेस्ट में, यानी कि रिटर्न टेस्ट में इसका क्या आने वाला है। तो देखो 11 नंबर में लिखा हुआ है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, ठीक है, इसको बोलते हैं दोस्तों सीबीटी। तो दोस्तों यहाँ पर आपका सिर्फ एक ही पेपर लगेगा और जिसका टाइम रहेगा 60 मिनट यानी 1 घंटे का, और दोस्तों इसके अंदर जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे 80 और हर क्वेश्चन 2 नंबर का जाएगा, तो आपके टोटल वो 160 नंबर का पेपर होने वाला है आपका। तो उसमें पार्ट वन में आपका आएगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का, इसमें 20 क्वेश्चन आएंगे आपके और नंबर मिलेंगे 40,
उसके बाद दूसरा है जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन आएंगे, 40 नंबर के लिए होंगे ये। उसके बाद तीसरे नंबर पे एलिमेंट्री मैथमेटिक्स होगा, 20 क्वेश्चन आएंगे, 40 नंबर के लिए होंगे। और इंग्लिश और हिंदी के 20 क्वेश्चन आएंगे, उसके लिए भी 40 नंबर, यानी 4 चौका 60, 160 नंबर का। और दोस्तों इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.50 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। यानी अगर आपने एक गलत क्वेश्चन कर दिया तो एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो उसमें से आपका आधा नंबर कट जाएगा, तो इसका आप पक्का ध्यान रखना। तो दोस्तों ये जानकारी आपको मैंने दे दी है, मैंने सिर्फ दो बात की थी आपको फिजिकल की और रिटन एग्जाम की, नहीं तो वीडियो फिर काफी लंबा हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। दोस्तों अभी भी आपने अगर लाइक नहीं किया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आए दिन मैं चैनल पर कोई ना कोई जानकारी भरे वीडियो बनाता रहता हूँ और मैं हमेशा सच्चे और सटीक जानकारी वाली वीडियो बनाता हूँ, मैं कभी कोई भी फेक वीडियो नहीं बनाता हूँ। तो दोस्तों अपने शब्दों को विराम देता हूँ, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय।